आप सबको राम राम जी और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है फ्राइडे, बच्चों की है छुट्टी, सुबह के बज चुके हैं 7:30, 7:30 से ऊपर हो गया, थोड़ा सा टाइम उठे हुए काफी देर हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया है, खाना वाना कुछ नहीं खाया है और आज रनिंग वगैरह के लिए भी नहीं गई क्योंकि आज काम ज्यादा है, तो और काम तो हो गया ऊपर का बजाय रोज रख देते हैं, फिर कुछ ना कुछ बिखर जाता है, कहीं ना कहीं सामान निकलता है, बॉक्स वॉक्स का कवर निकाल दे धोने के लिए, वो रह रहे थे, बाकी सब धो लिया, मशीन हो गई है, कल हुई है, देखो आज धनतेरस से कल ठीक हुई है, बहुत दिन तक बंद रही, तब तक हाथ से ही धोते रहे कपड़े, तो ये रह रहे थे वो बचा है बस, इस वाले बॉक्स का भी निकाला है तो ये धोने के लिए डाल दिया है, इसलिए फिर से बिखर गया है सामान। और निशु उठ चुकी है, योशी अभी भी सो रही है, छुट्टी है उनकी सैटरडे है, तो ठीक है मैं बाद में जब आऊंगी थोड़ा सोने देती हूँ, तो ये तो सोई पड़ी है और निशु ब्रश कर रहा है, अरे निशु ब्रश कर रही है, उसको भूख लगी है बोल रही है मामा खाने के लिए, दो तो उसको अभी एप्पल दे रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं खाया है, बाकी घर का काम करेंगे, आज धनतेरस है तो धनतेरस पर इधर एक मेला लगा हुआ बता रहे हैं, एक मेला लगा हुआ है तो उस मेले में जाएंगे, देखते हैं क्या है, कैसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और खरीदारी का देखते हैं कि क्या खरीदा जाता है, तो कुछ तो खरीदेंगे धनतेरस है, झाड़ू वगैरह कुछ जरूर जरूरी चीजें, दिवाली का सामान, दीपक वगैरह कुछ दिवाली का सामान नहीं लिया, धनतेरस हो गई है कुछ भी नहीं, एक दिया भी नहीं लिया है, तो आज ही खरीदारी करेंगे दिवाली के लिए, जो दिए वगैरह आज के लिए भी आज बड़ा दिया लगता है हमारे, तो वो आज लगेगा तो वो भी खरीदना है, ये सब खरीदारी करनी है, घर का काम करना है, कुछ मिठाई वगैरह बनानी है और शाम को मेले में जाना है, तो दिन बहुत बिजी रहेगा, तो पूरा दिन जो जो अच्छा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह के ब्लॉग देखना अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज इस शुभ दिन पर धनतेरस के दिन के ब्लॉग को शुरू करते हैं, खुशियों के साथ अपने इस त्यौहार को मनाते हैं। तो जी मेरा बाबू खाने लग गया है ऑरेंज, सुबह ऑरेंज खा रहा है, बोल रहे मामा एप्पल काट के दे दो, ये देते बच्चों को फ्रूट जी थोड़े खिलाया करो, जितना हो सके उतना आदत डालो, ये चिप्स कुरकुरे की आदत छुड़ा दो, बिस्किट विस्किट की कभी कभी चलता है, और फ्रूट्स खिलाया करो। आज ही करते हैं पेड़ों की नई नई बालकनी की सफाई, सारे पेड़ों को ले लाऊंगी, ये पेड़ों को सबको धो दिया है, बालकनी भी क्लीन कर दी है, इस साइड भी खेत धोने भी धो दिया अच्छे से, या मेहंदी जी कई दिन की भिगो रखी से, तो आज इसमें लगाऊंगी, तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ी देर खातर लगा लो, मैतरा भी थोड़ा बाल दिखने लगा, ये लगाऊंगी गाड़ी है देखो घड़ी है, रेल वेरा लाई थी ना घर पर, इनका जूस निकालूंगी और वो इसमें डालूंगी, ये करिए कपड़े का डालूंगी, बाकी उसे बाल लगाऊंगे जो उसका भी एयर वॉश करना है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने आज बॉयल करी है, ये देखो शकरकंदे स्वीट पोटैटो बॉयल कर लिया, बहुत हेल्दी रहा वैसे, तो इसने भी खाया करो, तो आज यो कर रहा से ब्रेकफास्ट में, क्योंकि आज फ्रूट कम है, योशी कर रहा है ब्रेकफास्ट, थोड़े फ्रूट बचे हैं, आज लेकर आवाएंगे इसके पापा, तो मैं सुबह ये ले लूँगी, एप्पल ले लिया से, पपाया तोड़ दे रहा है उसमें, पपाया काट कर रखा है, बाढ़ खा लेंगे कुछ मैं खा लूँ, ये सबसे पहले मेहंदी लगाऊँ तो, क्योंकि लगा कर कम से कम 2-3 घंटे तक रखनी पड़ेगी, तो 2-3 घंटे लगा कर रखूँ, फिर एयर वॉश होगा जितना काम हो जाएगा, सफ़ेद बाल हो गए बड़े, क्योंकि बहुत दिन तक कुछ लगाया ना सर, बाढ़ते सही सफ़ेद, तो मैं नहीं लगा मैं पहले आज मैं नहीं लगा के फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, बाकी काम तो नहीं चलेगा जी सारे दिन। यो जी सुबह का ब्रेकफास्ट, ये स्वीट पोटैटो शकरकंदी उबाल ली, इसमें चाट मसाला डाल लिया, सिंधा नमक डाल लिया और अच्छे से नींबू डाल लिया, और भी चटपटा हो गया सर, बहुत स्वाद है जी। एक बज चुके हैं और दोनों के बैग बड़े गंदे, बेटा इनको भिगो चल गए बाथरूम में, भिगोते हैं, एक बज गए हैं, काम अभी बाकी है, बर्तन वर्तन पड़े हैं, खाना भी नहीं बनाया है, दाल बनानी है, और मैं बना रही हूँ एक मिठाई, क्योंकि दिवाली है तो रेसिपी डालने के लिए उम्मीद बजाती हूँ, मखाने की मिठाई बना रही हूँ, मखाने मिल्क पाउडर और मैदा यूज करके, तो अभी बनाएंगे मिठाई, बालों में लगा रखी है मेहंदी, तो मिठाई बनाते हैं, वीडियो बनाऊंगी, एक वीडियो शूट करनी है, और घर का काम तो चलता रहेगा, मेहंदी भी होती रहेगी, मेहंदी लगाई थी मैंने 11:30 बजे से, तो 2 बजे से धोंगे, कम से कम 2.5 घंटे तो रखूंगी, ऊपर से वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े चल रहे हैं, तो काम हो रहा है, धनतेरस से काम बहुत ज़्यादा है, मेले में भी जाना है और खरीदारी भी करनी है, कुछ थोड़ा कुछ सामान तो खरीदना है, देखते हैं क्या खरीदते हैं, करते हैं काम। और ये उठी है 10:30 बजे उठी है जाके, वो भी जगाने से, चल अभी बैग धोते हैं, ये और नीचे गई है जी टीआर के, बहुत देर से गई है, उन्हीं के जाके खेल रही है, तो खेलने देते हैं उसको, हम तब तक काम कर लेते हैं जी। टाइम हो गया है 5:15 और अभी ना के आई हूँ, बाल धो के मेहंदी लगा रखी थी, अभी जा रहे हैं धनतेरस से, तो थोड़ा सा सामान खरीदना है, थोड़ा सा आज खरीद लेंगे, जो मिल जाएगा सही, कुछ बचेगा तो कल ले लेंगे, थोड़ा सा सामान लेना है, उसके बाद जाना है मेले में, लेट हो रही है, बहुत लेट हो गया, 5:30 बजे जाना था और 5:15 हो गई, 15 मिनट में जल्दी से लेके आना है, और लेके आके फिर मेले में जाएंगे, कोई भी त्यौहार हो कुछ भी फंक्शन हो तैयार होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, भाग भाग के ही पूरा काम करना पड़ता है, अभी बाइक से जा रहे हैं, बाहर की बोलना
साढ़े पांच से ऊपर हो गए हैं, 40-45 हो गए हैं और हम लोग तैयार हो गए। हाँ चल रहे हैं, योशिनी शुभी तैयार हो गई है और कुछ नहीं अभी, आज तो थोड़ा जरूरी लिया, एक ही जोत लिए, चम्मच ली, चम्मच पर कितनी बेलो कमी पड़ती रहती है, और ये लिए मीठे, ये प्रसाद, ये गंगा जल, ये धागा, और ये बड़ा दीवा, आज बड़ा दीवा होगा ना, तो एक ही लेके, बस ये लेके आई, और ये दो छोटे माला लेके, बाकी सामान कल लेके आ जाऊंगे, और कुछ बचेगा ना, और कुछ सामान जो बच गया है, कैंडल वैंडल रह गई है और दिए रह गए कल के लिए भी दिए, आज तो बस ये एक ही लेके आई, तो वो सामान कल लेके आएंगे, आज बहुत जल्दी का लेट हो रहा है, इसलिए बस थोड़ा सा लिया और लेके भागे, कल थोड़ा तसल्ली से कुछ और चीज़ें लेके आऊँगे, वो ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि हमारे वो ज़्यादा का नहीं रहता, थोड़ा सा ही रहता है मतलब, तो जितनी जो लूँगी वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, तो बाकी कल खरीदेंगे, अभी हम जाएंगे मेले में, तो ये दिया जलाकर फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि आने में फिर लेट हो जाएगा, इसलिए दिया लगाकर फिर बाद में जाएंगे। जी अभी हम चल दिए हैं मेले के लिए और हमारे साथ जा रही है हमारी नाना जी, जो इधर बच्चों की बुआजी वो भी साथ में जा रही है, तो उनकी बुआजी रहेगी, उनके बच्चे रहेंगे, तो सब जाएंगे। अभी आ गई है बुआजी, आ गई, आओ भाई आओ, ये है मीनाक्षी, इनकी बुआजी की लड़की, ये योशी के बर्थडे पे आए थे, वही लोग जाने पहचाने, और ये बुआजी है इनकी, और ये अभी जी, अभी महाराज, अभी हुई नहीं, हेलो, हमारी इतनी भीड़ हो रही है दिवाली है, तो शॉप पे बहुत भीड़ है, अभी सब दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रही पटाखे दिवाली, आप पहले ही बना लेना, और इस साइड में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, ऐसे मिठाइयाँ भी बहुत है, दिवाली की रौनक है ना, मिठाइयाँ सब चीजें, दिवाली है जी, सब कुछ सज गया है इधर भी, टेम्पल यहाँ का टेम्पल, केरला पीड़े आ रहे मम्मा, ये आ गए सब पीछे पीछे, मेला, ये जी मेले की भीड़ देखो कितनी पब्लिक है, आइसक्रीम वाले के पास कितनी भीड़ है, चेटा छह देना, सिक्स देना, सिक्स, कितनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ है कि मैं तो भूल गई कि चले कहाँ गए सब लोग मुझे छोड़ के, ढूंढना है अभी, अरे ज़्यादा भीड़ है खाने की शॉप में, ये है बिरयानी हाउस, आया नंबर आया कितना हो गया, 30 80, ये मेरा आ गया, ये हमारी निशु पकड़ो, निशु पिंक, मैं चलूं बाहर, निशु आजा मेरे साइड, आप निशु मेरे साइड में लेके चलूंगी बाहर, निशु घूम जा मेरी ड्रेस पे लगाएगी, चल आगे हो, मेरे कौन ले लिया, इतनी ज़्यादा भीड़, एक आइसक्रीम के लिए, निशु को चाहिए था पिंकी, इसको मिल गया, ओए इतनी ज़्यादा भीड़ है,
अभी दूसरी आइसक्रीम मिल गई, आइसक्रीम से पेट भरना पड़ेगा, चेंज ही नहीं रहा उसके पास। और मीनाक्षी खा रही, मीनाक्षी क्या खा रही है ये? नाम ही नहीं पता। नहीं ये वो है यार बड़ा पाव, नाम ही नहीं पता। ये बड़ा पाव है, बड़ा पाव ही होगा। ये ब्रेड है और आलू की सब्जी है। कैसा है? अच्छा नहीं लग रहा बच्चों को, मेरा मेरा ऐसा खाना मिलेगा। योशी को योशी के फ्रेंड मिल गए हैं कुछ, एक मिनट बाद बाय बेटा बाय। योशी के फ्रेंड चले गए, मिल गए बहुत सारे उसको। निशु आपको फ्रेंड नहीं मिले? निशु को फ्रेंड नहीं मिले, ये मिले अभी मीनाक्षी सब। मेले की भीड़ देखो जी, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ है। एक आइसक्रीम के लिए 20 मिनट लग रहे हैं कम से कम, इतनी पब्लिक है। इस पब्लिक में हम भी हैं, गुम हो जाए बच्चे अगर अकेले छोड़ दिए तो। बच्चे क्या, मैं ही गुम हो गई थी एक बार, इनकी बुआजी गुम हो गई, ये लोग मुश्किल से ढूंढा है। फोन होता चलता ऐसा मिल जाता है, पता लगा लो। ये जी खाना, वेज बिरयानी लेके आए इसके पापा, अभी खाते हैं। बहुत भीड़ है, कुछ नहीं खा रही, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा। मेरे की चीजें तो जी ऐसी रहती, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो एक सिप पे सिप बनाया, लाइट लगाई उसने। ये इधर है रिंग वाला, अरे लोगों को खेलना है। आइए 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 काउंटर नंबर 6 पे आइए और ग्रोसरी कर जाइए। आपका अपना काउंटर काउंटर नंबर 6 6 6। 20 रुपए का टिकट, 20 रुपए में जीतिए, 100 रुपए के नाम। आइए आइए आइए, 100 रुपए के नाम। कोई ने भी नहीं मारा सर, इतना लास्ट है, सारे बेकार गए सर। मीनाक्षी मीनाक्षी की मारी, मीनाक्षी मारी सही। बनाया ये देखो, मैं
नहीं मत लो बेटा, ये इनके फोटोग्राफर, एक मिनट चलो भाई चलो चलो हो गया। अब बच्चों की फिर से फरमाइश हो गई आइसक्रीम खाने की, फिर से चल गया आइसक्रीम खाने। बात करना पड़ा कि ज्यादा भी इतनी भीड़ बहुत सालों में देखी है, इतनी पब्लिक सपनों के रानी। चलो बेटा ठो गाड़ी आ गई, आ जाओ आओ। नाइन फिफ्टीन हो गए जी, अब जा रहे हैं यहाँ से हम। और क्या क्या पता, और कौन कौन सा पटाखे लाए? दादा बोले न सजाए,
ये कितना बेसुरा गा रही है दोनों। आपको गाना भी नहीं आता, कम से कम गाना तो आता है। अंधेरे के सिंगर हमारे हमने नेट तो बताया, निशु बोल रही थी कराया कामा बोल के ना सजाए सिंगर दूरी नु रावज बाबा जो कामा बोले रोल जिताई तेरा पूरा मीना होवे। इनकी बुआजी को ड्रॉप कर दिया जी हमने ना, फिर आएंगे यहाँ। चलो लेट हो रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दबा के देना कभी सब्सक्राइब। और जी देखो ना ना नहीं, अरे नहीं फिर कल कल दिन में आएंगे, कल दिन में आएंगे हम इनसे मिलने। चल बिना बताए आ जाएंगे प्रकाश टूवी में। ओके बिना बताए आएंगे, बाय बाय। सुबह शाम कभी भी आ जाएंगे। 10:10 है अभी आए हैं हम लोग में घूम कर। अभी आई हालत खराब हो गई है, थक गए हैं। खाना तो खाया थोड़ा सा वैसे ही, अरे नीचे रुकना, ऐसे ही खाना था तो थोड़ा सा खाया, आइसक्रीम खाई पहले ही खांसी हो रही थी मेरे को, अभी तो और ज्यादा आएगी, रात को सोऊंगी तब देखती हूँ और ना खराब हो जाए हालत। कल है छोटी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली त्यौहार आ गए हैं, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं खत्म। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और इस तरह के ब्लॉग देखना अगर आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आप सभी को गुड नाइट, राम राम, बाय बाय, शुभ रात्रि।